तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक जो एक्सक्रीशन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। व्हाट डज एक्सक्रीशन मींस? रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। मतलब जो भी टाइप का हमारा नाइट्रोजियस वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, और जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसा हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो ये वाला प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सक्रीशन के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अभी तक स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के समझा कि जो एक्सक्रीशन है वो किस तरीके से प्रोसेस लेता है फूड के केस में, जो हमने फूड खाया, कंज्यूम करा, और फिर वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है एंड हाउ इट इज़ रिमूव्ड। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस तरीके से होता है। ब्लड भी तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड को भी प्यूरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो ब्लड ही कैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो ब्लड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको प्यूरिफाई हम लोगों को करना पड़ता है बार बार। सो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड इज़ प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ किडनीज। किडनी की हेल्प से होता है। हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं हम लोगों के पास, और इन किडनी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। नाउ कमिंग टू किडनी, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इजी डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी किडनीज होती हैं। अब आपको पता चल गया ये किडनी है हमारी, और अब किडनीज तक ब्लड कैसे पहुँचता है। देखिए, ब्लड वेसल्स है, आपको पता है जो ब्लू वाली है ऑब्वियसली क्या कैरी कर रही होगी, ब्लू वाली डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, वो वाला ब्लड जो प्यूरिफाई होने के लिए आया है यहाँ पर। ये तो हम लोगों को पता ही है कि ब्लू वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये प्यूरिफाई होने के लिए यहाँ पर आई है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन उसके अंदर और भी कोई अगर वेस्ट मटेरियल बचा है तो वो फिर फर्दर प्यूरिफाई करती हैं किडनीज। तो किडनी के पास आया हमारा ब्लड, और फिर ये जो ब्लड किडनीज के पास आया ये प्यूरिफिकेशन के बाद कहाँ से चले गया, हमारी रेड वाली वेन के अंदर, वेसल के अंदर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेड वाली वेसल क्या कैरी कर रही है, वो वाला ब्लड जो प्यूरिफाइड है, और जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है दैट इज इन द ब्लू वेसल। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। नाउ सी, जो ये वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ पर जाता है। अभी हमने देखा कि ब्लड एंटर करा किडनी के अंदर, किडनी से आपको ये पतली सी वेसल दिख रही होगी जो कनेक्ट हो रही है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यहाँ से भी एक जा रही है पतली सी वेसल, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पतली सी वेसल जा रही है दैट इज यूरेटर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब ये कनेक्ट होती है तो यहाँ पर हमारी क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, यूरिन, जिसको हम लोग टॉयलेट भी बोलते हैं। जब ये यूरिन यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचता है कि नाउ वी हैव टू रिमूव ऑल दैट वेस्ट मटेरियल। ये हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचता है, तभी वी हैव अ अर्ज टू गो टू वॉशरूम। फिर हम लोग टॉयलेट जाते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं। और ये रिलीज कहाँ से होता है, ये एक पतली सी आपको थिन ट्यूब दिख रही होगी, दिस इज यूरेथ्रा। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस वर्क करता है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, आप अच्छे से सारी चीज़ें इससे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो चीज़ें मार्क करी हैं, एक तो आपको लेफ्ट रेनल आर्टरी और आपको दिख रही होगी लेफ्ट रेनल वेन। अब आपको यही पता है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाइड थिंग, और जो वेन्स कैरी करती हैं वो क्या, डीऑक्सीजनेटेड अनप्यूरिफाइड थिंग्स। तो यहाँ पर हमारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट मटेरियल को कैरी कर रही हैं और हमारी आर्टरीज क्या कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड और प्यूरिफाइड ब्लड को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो रेड वाली है, ये वाली कौन सी है हमारी, लेफ्ट रेनल आर्टरी, और ये क्या है, लेफ्ट रेनल वेन, ठीक है। अब हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। देखिए, यहाँ पर मार्क करा गया लेफ्ट किडनी, बट व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये वाला हैंड दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड है, लेकिन आप देखिए स्ट्रक्चर को कि हमारे सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो आपका जो राइट होगा दैट इज हिज लेफ्ट, एंड वॉट इज योर लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां पर इसकी राइट साइड होगी। तो आप ये समझिए कि आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, यू आर एज्यूमिंग दैट।
नाउ कमिंग टू वेना कावा, आपको वेना कावा दिख रहा होगा, देन फिर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आ गए और यूरिथ्रा के ऊपर आ गए। तो सेम यही प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। स्टूडेंट्स, किडनी का कंसेप्ट समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। हम सबके घर में आर ओ प्यूरीफायर्स तो होते हैं, आर ओ प्यूरीफायर के थ्रू हम लोग किडनी का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो आर ओ प्यूरीफायर होगा, एक पाइप जा रहा है विच इज़ अनप्यूरीफाइड वाटर, जो आपका टैप वाटर है वो डायरेक्टली उसके अंदर कनेक्ट होता है। जब यहाँ से वो पानी जाता है तो इन सब फिल्टर्स के थ्रू वो जाने के बाद वो क्या होता है, जो वेस्ट बिल्कुल वाटर होता है, जो बिल्कुल ड्रिंकेबल नहीं होता, वो एक पाइप होती है ब्लू कलर की, वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, जो क्या कंटेन करती है, वेस्ट वाटर। और जो आपका पीने वाला पानी होता है वो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर, इस वाले टैंक के अंदर। सो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इसी तरीके से हमारी किडनी वर्क करती है। देखिए, जो हमारी किडनी थी, यहाँ पर वेस्ट वाला मटेरियल आया, एंड देन जो अनप्यूरिफाइड था वो मटेरियल आया, और जो प्यूरिफाइड मटेरियल था वो वापस चले गया, और जो इसमें से वेस्ट मटेरियल था दैट इज पास्ड ऑन थ्रू यूरेटर। तो इसी तरीके से हमारी किडनी वर्क करती है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ थी, देखिए नोटिस करिए कि जब यहाँ पर अनप्यूरिफाइड वाटर आया था तब कितने सारे फिल्टर्स के थ्रू गया था। तो हमारी किडनी भी ऐसे ही वर्क करती है, हमारी किडनी के पास ऐसे बहुत सारे छोटे 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 फिल्टर्स होते हैं, टू बी प्रिसाइज 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, जो क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर, जो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, हमारा अनप्यूरिफाइड ब्लड आता है एंड दैट इज फर्दर प्यूरिफाइड। तो अब एक बार समझ लेते हैं कि कैसे, थोड़े डिटेल में नेफ्रॉन का भी फंक्शन हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक आपको नेफ्रॉन का वेल मार्क्ड डायग्राम लगाया है, इसमें समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बोमेंस कैप्स्यूल, जो ये आपको ऐसा दिख रहा है माउथ जैसी एक चीज दिख रही है ये, तो दिस इज बोमेंस कैप्स्यूल। और इसके अंदर जो आपको ये नर्व्स दिखती हैं, देखिए यहाँ पर इसकी नर्व्स दिख रही हैं आपको, दीज आर ग्लोमेरुलस, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हमारा ब्लड एंटर करता है एक नेफ्रॉन के अंदर, इट एंटर्स फ्रॉम द एफेरेंट, एफेरेंट वाली साइड से ये एंटर करता है, एफेरेंट आर्टरी से एंटर करता है ये, और एफेरेंट आर्टरी से ये आगे पास ऑन कर दिया जाता है। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आया ये और फिर कहाँ पर चले गया, एफेरेंट आर्टरी के पास। तो यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड हमारे पास आया हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जो भी हमारा ब्लड है वो फर्दर कहाँ पर जा रहा है, प्यूरिफिकेशन के लिए, या कुछ जो पार्टिकल्स यहाँ से पुश डाउन करे जा रहे हैं वो इस वाले एरिया में, जो ये जे शेप का आपको लग रहा है, जे की शेप का लग रहा है ये एरिया, यहाँ पर ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कि ठीक है, यहाँ पर ये कलेक्शन हो गया, तो यहाँ से यहीं से सीधे ब्लड चले जाना चाहिए था, ब्लड एंटर करा और फिर यहीं से फर्दर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, ये जो यूरिन है इसके बाद भी हमें इतना सारा ये प्रोसेस को क्यों समझना है आगे फर्दर, और इतनी सारी हमें नर्व्स देखने को, आर्टरीज देखने को क्यों मिल रही हैं, वेन्स देखने को क्यों मिल जाती हैं, ये इसलिए देखने को मिल जाती है क्योंकि देखिए जब यहाँ से ब्लड पुश करा जाता है फर्दर आगे, जब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स ब्लड के आगे की तरफ मूव करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए फर्दर, तो उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है हमारी बॉडी ट्राई करती है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, कि किसी भी चीज़ को वेस्ट ना जाने दें। तो ये जो यूरिन अभी जस्ट कलेक्ट हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट हो सकता है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, विटामिन मिनरल्स, ये भी सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। अब क्या होता है, देखिए जो मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट हमारे ब्लड के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, वाटर हो गया, इस सबको कैसे दोबारा हमारा ब्लड ले सकता है, जो कि लूज हो सकता है, तो इसको कैसे लिया जाता है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक हमारी आर्टरी पतली सी डिवाइड हुई है आगे जाकर, और ये आसपास इसके ट्रैप्ड हैं,
जो यहाँ पर ये हमारी वेसल थी इसके आसपास ये जाकर ट्रैप हो गई। तो ये जब इसके आसपास जाकर ट्रैप हुई है तो ये यहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रही है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें दोबारा अपने पास बुला रही है, उन्हें दोबारा एब्जॉर्ब कर रही है। अब आप पूछेंगे कि ये जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आपको ये दिख रहा है ये किस लिए है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेलेक्टिवली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो ब्लड को दोबारा ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें उसने एब्जॉर्ब कर ली हैं। अब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे ही नेफ्रॉन के कनेक्शन होते हुए दिख जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको पाइप्स, यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड रहते हैं और ये एक पतली सी इस ट्यूब के अंदर अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो यूरिन होती है जो हम लोग रिलीज कर देते हैं, वो सारा वेस्ट मटेरियल ये वाले पाइप कलेक्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या यूजेज है ये हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर इतना लंबा लूप क्यों बनाया गया है। जो अभी हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि यहाँ पर ये इतना बड़ा सा लूप रीजन क्यों है, इसका आंसर सिंपल ये है कि ये जो लूप रीजन है इसका क्या काम है। देखिए ये जो लूप रीजन है इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। अब आप पूछेंगे कि ये वाला प्रोसेस तो यहाँ पर भी हो सकता था, तो ऐसा नहीं होता। देखिए ये जो हैनलीज लूप होता है, इस वाले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड हैनलीज लूप। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। मेन जो चीज़ है इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन। तो मान लीजिए अगर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी को पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ये वाटर को इतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा और क्या कर देगा, उस वाटर को रिलीज कर देगा। तो इस वजह से हमें जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उन लोगों को ज़्यादा बारी टॉयलेट जाना पड़ता है। और मान लीजिए अगर आप कम क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो यहाँ पर बार बार एब्जॉर्प्शन होता रहेगा पानी का। बार बार एब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है कि आप कहीं बारी ये भी देखते हैं कि जब आप वॉशरूम करने जाते हैं तो जो आपका यूरिन का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्किश येलो हो जाता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो रही हैं और बार बार आपकी आपकी जो बॉडी है वो उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। एंड दिस इज़ द इंडिकेशन कि आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देना चाह रही है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो क्या होता है, बेसिक मतलब यही है इसका कि जो बेसिकली सीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे गर्मियाँ हो गई तो गर्मी में हमारी बॉडी से हमें स्वेट वगैरह ज़्यादा आता है, तो वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हमारी बॉडी को, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है हमें गर्मी में। और सर्दियों में क्या होता है, तो सर्दियों में हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों के टाइम पर पानी हम लोग ज़्यादा पीते हैं तो इतना ज़्यादा वाटर क्या दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं करा जाता, क्योंकि हम लोग वाटर ज़्यादा पी रहे हैं, मान लीजिए प्यास लग रही है। लेकिन गर्मियों में भी अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे तो इसको बार बार फिर उसी वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जो प्यूरीफाई होने के लिए आया है ब्लड के अंदर। तो ये कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, आपकी यूरिन येलो आती रहेगी और फिर आपकी जो किडनीज़ के नेफ्रॉन्स हैं, जो आपकी किडनीज़ हैं, उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से सेलेक्टिवली हमें यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन ड्रिंक वाटर इफ़ योर यूरिन इज येलो, तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन होता है। और अब आप समझ गए होंगे कि इस लूप का मेन काम क्या होता है। एक बार फिर भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हैनली अपीयर्स टू बी द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। जो हमारा वेस्ट मटेरियल यूरिन के अंदर था उसके अंदर से वाटर को रिकवर करना और सोडियम क्लोराइड को रिकवर करना। तो इतना ही इस चैप्टर के अंदर हमें समझना है, और कुछ ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को नहीं समझना। तो यहाँ पर इन द एंड यही होता है कि जब हैनलीज लूप के अंदर सारी चीज़ें रिकवर कर ली जाती हैं, हैनलीज लूप के अंदर वाटर को भी रिकवर कर लिया गया, और फिर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, यूरिन के थ्रू इस डक्ट के अंदर पास कर दिया जाता है, जो कहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाता है हमारा, आप देखेंगे तो दिस गेट्स कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है आपका, देन यू गो टू वॉशरूम और अपना यूरिन को आप रिलीज कर देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इसको आप एक बारी अच्छे से समझ लीजिए।
काफ़ी आसान कंसेप्ट है और इसकी पूरी वीडियोस बन चुके हैं और भी जो वीडियोस हैं चैप्टर्स के वो भी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज़ कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।